लूट, हत्या और डकैती जैसी वारदातों को अक्सर पेशेवर अपराधी अंजाम देते हैं या कई गिरोह इस तरह की वारदातों को अंजाम देने में आगे रहते हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली में एक कत्ल का ऐसा मामला सामने आया है जिसे अंजाम दिया एक पति पत्नी ने मिलकर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, और उन दोनों ने लाश के साथ जो बर्ताव किया उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दिल्ली के कैब ड्राइवर राम गोविंद की पत्नी ने 29 जनवरी की शाम को थाने जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी कि उसका पति लापता है। पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो पाया कि कापसहेड़ा बॉर्डर के पास तक उसकी कैब में लगा जीपीएस काम कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बंद हो गया। पुलिस ने उस रूट पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की जिसमें वो कार में जाते हुए नजर आया, लेकिन पुलिस ने उसको वापस आते हुए नहीं देखा। इसके बाद पुलिस ने राम गोविंद के मोबाइल की लोकेशन और सर्विलांस की मदद से दोनों आरोपियों को 3 फरवरी के दिन अपनी हिरासत में ले लिया। आरोपी कोई और नहीं बल्कि 34 साल का फरहात अली और 30 साल की उसकी पत्नी असलम खातून थी। उन दोनों से लगातार पूछताछ की गई। पहले वो पुलिस को टहलाते रहे, लेकिन बाद में मामला खुलकर सामने आ गया। कातिल पति पत्नी ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि उन्होंने इस वारदात को केवल लूट के मकसद से अंजाम दिया था। उन्होंने राम गोविंद का मोबाइल फोन और उसकी कार को लूट लिया था। दरअसल उन दोनों ने ही मिलकर कत्ल की एक साजिश रची थी। उन्होंने अपनी योजना के मुताबिक पहले एक कैब बुलाई और कैब के ड्राइवर को बहाने से घर के अंदर बुलाया, फिर उसे चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। इसके बाद जब वो बेहोश हो गया तो उन्होंने उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यही नहीं, उन्होंने लाश के टुकड़ों को 3 बैग में भरा और दिल्ली और नोएडा के नालों में ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने कातिलों की निशानदेही पर लूटा गया मृतक का मोबाइल फोन, एसेंट कार और हत्या में इस्तेमाल किए गए औजार भी बरामद कर लिए हैं। कातिल पति पत्नी को लग रहा था कि वो दोनों कानून की पहुंच से बाहर हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस को सुराग मिला और वो दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए, और इस तरह से कत्ल की इस वारदात को पुलिस ने सुलझा दिया। जुर्म की खबरों के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप पढ़ते रहिए आज तक और देखते रहिए देश का नंबर 1 चैनल आज तक।